पीएम मोदी आज करेंगे गुजरात का दौरा, राज्य में करोड़ों की परियोजनाओं की होगी शुरुआत। अधीर रंजन के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक बयान पर संसद में संग्राम, स्मृति ईरानी बोली माफी मांगे सांसद। 1 अगस्त को गुजरात दौरे पर जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, सोमनाथ में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। देश में कोरोना के नए मामले फिर 20,000 के पार, एक्टिव केस भी बढ़े। सीरीज में जमकर चला शुभमन गिल का बल्ला, मैन ऑफ द मैच के साथ जीता मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी। नमस्कार, मैं उत्कृष्टला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर लोकसभा में करारा हमला करते हुए कहा कि सोनिया जी अपने द्रौपदी मुर्मू के अपमान को मंजूरी दी है। सोनिया गांधी ने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन महिला के अपमान को मंजूरी दी। हालांकि स्मृति ईरानी के इस हमले के बाद में थोड़ी देर में लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सदन में मौजूद थी और उन्हीं के सामने स्मृति ईरानी ने पर हमला किया। आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सोनिया जी सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ पुअर वुमन हु असेंड्स टू द हाईएस्ट ऑफिस इन दिस कंट्री। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से। खबर औरैया से है जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर उज्जवल भविष्य उज्जवल भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सदर विधायक दीप प्रज्वलित करते हुए किया, जिसमें एनटीपीसी के अधिकारी और जिलाधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें उत्तर भारत कार्यक्रम का आयोजन नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में हम प्रवेश किए हुए हैं और अगला जो 15 अगस्त आगामी है वो हमारा 75 वर्ष पूर्ण वाला स्वतंत्रता आजादी का वर्ष होगा, दिन होगा, और उसको बहुत ही धूमधाम से उसी गौरव के साथ मनाने का निर्णय हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार ने लिया हुआ है। उसी के तहत हर विभाग को आम जनता के बताना है कि उन्होंने क्या कार्य किया है। देवरिया जनपद के डूडा ऑफिस में बाबा शिव मंदिर का मेन गेट लगभग 4 सालों से जिला प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया गया है, जिससे नाराज महिलाओं ने गेट के बाहर ही भगवान शिव का जलाभिषेक किया। जानकारी के मुताबिक मुख्य द्वार बंद होने के कारण महिलाओं ने शिव मंदिर गेट पर बाहर से जलाभिषेक करके पूजा अर्चना करने लगी। नहीं जा पा रहा, ये मंदिर बंद हो गया है। क्या कारण है यहाँ पे जल चढ़ाने से, मतलब क्यों आप लोग बाधा, क्या उपाधा है? ये दिया आस्था इस कोरोना में हम लोग को, ये शंकर जी ने एक संत ने दिया था इस, और डेली इस पे आकर पूजा करते थे, इस कोरोना में उनको सहवास। क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? ये दीवार के लिए यही पूजा करने की मुझे अनुमति मिली। कहाँ पे मंदिर स्थित है, कहाँ पे है ये मंदिर? ये राघव नगर में है, आवास के पीछे, इसके पीछे अपने स्वयं का मंदिर कहाँ है। दीवार जो है बंद है, बाहर ही हम लोग दीवार पे जो है चढ़ा के जाते हैं, भगवान जी की आस्था है बस। हम लोग 4 साल के सावन महीने में हम जो है इनके दरवाजे पे चढ़ा के जाते हैं दीवार के सामने,
बक्सर कई हर जगह हम लोग गए, प्रशासन कोई नहीं बात सुन रहा है। हम नहीं चाहते बस आगे का ये गेट खुल जाए, बस जो हम लोग पूजा। मैनपुरी में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 1 अप्रैल 2021 में एक आदेश पारित किया था कि सभी ग्राम पंचायतों का गलियों में लगे विद्युतीय पोलों पर जरूरत के हिसाब से लाइटें लगवाई जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रधानों और उनके सचिवों को सौंपी गई थी। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर लाइटों के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। बता दें कि गाँव में ब्रांडेड लाइटों का भुगतान कराकर लाखों रुपए के का घोटाले की बात भी सामने आ रही है। गांव में लगी लाइटों में से अधिकतर खराब हो चुकी है। कितने समय से हैं आप यहाँ प्रधान? वर्तमान अभी। अच्छा, यहाँ पे एलईडी लाइटों का एक प्रोजेक्ट आया हुआ था जो कि आपके यहाँ लगी हैं। जी। क्या मूल की हैं वो लाइटें? 3850 की बिलिंग की। 3850 जी। कितने वाट की हैं ये लाइट्स? 45 वाट की। कितनी लाइटें जल रही हैं आपकी ग्राम पंचायत में? जी अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि चार गांव में लगी थोड़ी थोड़ी लाइटें। राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की हुई थी, लास्ट ईयर ही लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ग्राम पंचायतों को अधिकृत किया गया था। इसमें क्षेत्र पंचायतें भी लाइट लगा सकती थी और जिला पंचायतें भी लाइट लगा सकती थी, लेकिन ग्राम पंचायतों को इसलिए कहा गया हुआ था कि स्थानीय स्तर पर अपनी आवश्यकता और सुविधा को देखते हुए लाइटों का वो अधिष्ठापन करेंगे। हरदोई के पिहानी ब्लॉक में उच्च प्राथमिक विद्यालय कुइया में प्रधानाध्यापिका के पति ने बच्चों के साथ मारपीट की, उन्हें अपशब्द भी कहे, लेकिन वहीं पर खड़ी प्रधानाध्यापिका देखती रही। इस मामले की जांच में बच्चों ने खुद ये बात जांच अधिकारी को बताई है, जिसके बाद बीएसए ने प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया है। मीडिया के द्वारा पता चला है कि उस विद्यालय में संबंधित प्रधानाध्यापिका की पति द्वारा एक बच्चे की मारपीट की गई है। खंड शिक्षा अधिकारी से जांच कराई गई, उनके जांच आख्या पर संबंधित शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक मामला सामने आया है। युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर लोगों से मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद युवती ने महिला ने थाने पहुंचकर अपने आप को लव जिहाद से बचाने की गुहार पुलिस से लगाई है। महिला ने लिखित शिकायत इंद्रापुरम थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। मुझे खूब टॉर्चर करता था, मुझे ताले में बंद कर करके चला जाता था, खूब मारता था। मेरे पास फोटो भी है जो मैं दिखा सकती हूँ। मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सामने भी नहीं रख सकती हूँ। खैर ऐसी से फोटो है, मुझे खूब टॉर्चर करता था। मुझे दो दो दिन तीन तक मुझे कपड़ों से बांध के तकिए से मुंह बंद करके मैं बोलती थी थाने तक जाऊंगी, पुलिस तक जाऊंगी। मुझे जाने नहीं देता था, मेरे मोबाइल तोड़ना, मेरा मुँह बंद करके मुझे खूब मारना, मुझे भूखा रखना, प्यासा रखना, साथ में मेरे बेटे को भूखा प्यासा रखना। वहाँ से मैं अकेली भाग कर आई हूँ। देखिए एक सिख धर्म की महिला मेरे पास कल आई हुई थी अपनी समस्या लेके, जहाँ पर एक सहनवाज नामक इंसान जो कि मुस्लिम धर्म से है, उसने अपना नाम बदलकर इनसे दोस्ती करी, अपने प्यार के झांसे में इनको फंसाया और लगातार 7-8 साल इनके साथ शोषण किया। क्या इन्होंने विरोध किया तो इनके ऊपर हाथापाई की गई, इनको बुरी तरीके से मारा गया, जो कि वीडियो भी हैं, फोटोज भी हैं, सब इनके पास मौजूद हैं, हर चीज़ जो भी प्रूफ है उसका। तो हम यहाँ आज इंद्रापुरम थाने में आए हैं और यहाँ पे उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया जा रहा है, अच्छी धाराओं में उसके खिलाफ। थाना क्षेत्र इंद्रापुरम की रहने वाली एक पीड़िता के द्वारा अभी तहरीर दी गई है कि उनके साथ कोई व्यक्ति 8 साल से लिविंग रिलेशन में रह रहा था, जिससे उनसे एक बच्चा भी पैदा हुआ था। अब उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति उनके साथ रह रहा था वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा, उसके आधार पर इनके द्वारा तहरीर दी गई, FIR पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है, साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बलिया के मनियर ब्लॉक के पूरब पटखौली में बना ANM सेंटर सालों से दबंगों का कब्जा बना हुआ है। इस ANM सेंटर में कहीं चारपाई दिखाई दे रही है तो कहीं कमरों में पशुओं के लिए भूसा रखा गया है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि इस ANM सेंटर पर तैनात ANM और आशा बहू की ड्यूटी कहाँ चल रही है, ननिहालों का टीकाकरण कहाँ चल रहा है। इसको देखते हुए जांच अधिकारी और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। सर ये कई वर्षों से भूसा रखा हुआ है,
तो उसके कैसे जा करके देख करके यदि जो स्थिति है उसके लिए इस प्रकार की स्थिति है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसकी व्यवस्था सही की जाएगी। जब एनएम सेंटर पर भूसा रखा गया तो ये कार्य कहाँ हो रहा है सर? यही मैं बता रहा हूँ ना कि अब जा करके उसको सही किया जाएगा। वहाँ के जो इंचार्ज हैं, वहाँ की जो टीम है, उनके विरुद्ध किस तरह कार्रवाई होगी सर? रायबरेली में लालगंज के चांदा गांव में चोरों ने तीन घरों को अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना की जानकारी होते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। आए हैं तो जो साड़ी मार्क पहन के पहले चेक करी, नहीं टाइम पाई, नहीं चोरी करी, और जब कल आए हैं तो कल फिर दूसरा साड़ी हमारे पहन के अपन तभी माँ अपन जो करी हुआ चोरी। आप तो देखे नहीं है क्या क्या गया है आपके यहाँ? एक मंगलसूत्र रहा, एक सोने की जजीर रही, सोने का मंगलसूत्र रहा करीब 2.5-3 तोलक है, और 2 तोलक जजीर रही, एक काने का झुमका रहा, दो अंगूठी रही, एक काने की बिजली रही, एक अंगूठी और रही, एक नाक के नथिया रही। घर से आए हैं कमरे से, हमारे कमरे से कुछ ना कुछ करके गए, चाबी हमारे कमरे से लेके गए, कमरे का ताला खोले, बस अलमारी का लाकर तोड़ के सामान सब लेके गए। आपको पता नहीं चला जब चाबी निकाली गई तोड़ा गया? नहीं पता चला। किसको नहीं पता? आपको क्या लगता है? पता नहीं पैसे कहाँ के हैं। कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग 5-6 लाख के बीच आसपास। नकदी भी थी? नकदी में कुछ नहीं था। बादा में कमासीन थाना के दलापुरवा में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने किसान और उसके बेटे पर लाठी डंडों से हमला किया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई और बेटे गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक खेत में छानी बनाने को लेकर विवाद हुआ था। ये पास रोड के बाजू से मेन तिराहे में एक बीघे 7 बीसवे जमीन थी। एक बीघा 7 बीसवे। अच्छा। उसमें इनका काफी दिन से विवाद चल रहा था। अच्छा। और इसके बाद जो है ये लोग क्या सोच रहे थे, वो जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे, तो ये लोगों का पास रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ है। जमीनी विवाद था। ये 3-4 आदमी थे, वही एक लड़का उनका भाई है, तो तीनों को मतलब इतना ज्यादा मार दिया कि वो एक तो मतलब एक्सपायर ही हो गया राजबली प्रजापति, अभी 2 और हैं वो भी आ रहे हैं। एक राजबली सना भंगत, उम्र करीब 75 वर्ष है, उनके परिजनों द्वारा बताया गया इनकी मारपीट हुई थी इनके साथ, यहाँ पर लाकर परीक्षण के उपरांत मृत घोषित किया गया है, इनके शव को पोस्टमार्टम। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस